करवा चौथ वाले दिन एक महिला ने हत्या के मामले में वांटेड चल रहे अपने पति को पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवा दिया। महिला का पति अपनी चचेरी बहन पर कातिलाना हमला और चाची की हत्या करके फरार हो गया था। जब वो करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी ने पुलिस को फोन कर उसके आने की सूचना दे दी। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस महकमा फौरन सतर्क हुआ। इलाके में गश्त कर रहे द्वारका जिला के पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी खुद मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कर ली गई है। द्वारका डीसीपी शंकर चौधरी ने बताया कि 19 अक्टूबर को लगभग 9:55 पर थाना नजफगढ़ इलाके में मां बेटी को गोली मारने की एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। इस घटना में 62 वर्षीय कैलाश गुलाटी नामक महिला की मौत हो गई थी, जबकि 31 वर्षीय बेटी वंदना गुलाटी का इलाज अभी चल रहा है। पुलिस के अनुसार गोली राजीव गुलाटी नाम के एक व्यक्ति ने चलाई थी। आरोपी राजीव मृतका कैलाश गुलाटी का भतीजा है। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि आरोपित और पीड़ित परिवार का पैसे और प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। वारदात के बाद आरोपी राजीव गुलाटी फरार हो गया था। वांटेड हत्यारोपी को दबोचने के लिए एसीपी ऑपरेशन की सुपरविजन में 4 टीमें बनाई गई। पहली टीम इंस्पेक्टर दलजीत के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन एसआई रघुवीर और हेड कांस्टेबल परमजीत की बनाई गई। दूसरी टीम एसीपी नजफगढ़ की सुपरविजन व अजय शर्मा एसएचओ नजफगढ़ के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अजय कुमार, हेड कांस्टेबल मनोज, हेड कांस्टेबल भागीरथ, कांस्टेबल सूरज और कांस्टेबल सुनील की बनाई गई। इंस्पेक्टर नवीन के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ की तीसरी टीम बनाई गई। इंस्पेक्टर कमलेश के नेतृत्व में एएटीएस की चौथी टीम बनाई गई। जांच टीमों ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला, मुखबिरों का जाल बिछाया, टेक्निकल सर्विलांस से आरोपी पर नजर रखी जाने लगी। आरोपी की तलाश में नांगलोई, झिलमिल, शाहदरा, हरिद्वार, देहरादून और उत्तराखंड में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लगा। आरोपी के परिवार और उसके जानकारों पर दबाव बनाया गया। पुलिस के बढ़ते दबाव में आरोपी का परिवार टूट गया। 24 अक्टूबर को थाना नजफगढ़ में आरोपी के सरेंडर करने को लेकर एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। पुलिस कंट्रोल रूम से वायरलेस मैसेज आया कि लेडी कॉलर बोल रही है कि जो मार्केट में मर्डर हुआ है उसमें उसके हस्बैंड का नाम था और पुलिस उनको ढूंढ रही है और वो घर आए हैं, उसको ले जायो। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस महकमा फौरन सतर्क हुआ। इलाके में गश्त कर रहे द्वारका जिला के पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी खुद मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कर ली गई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मृतका कैलाश गुलाटी से उसका पैसे का लेन देन और प्रॉपर्टी पर विवाद था, जिसको लेकर उसने पिस्टल खरीदकर घर में छिपाकर रख ली थी। 19 अक्टूबर को आरोपी राजीव गुलाटी लेन देन और प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने के बहाने से मृतका कैलाश गुलाटी के घर पहुंचा। बहस होने पर कैलाश गुलाटी और उसकी बेटी वंदना गुलाटी पर अंधाधुंध फायरिंग कर आरोपी राजीव गुलाटी मौके से भाग गया। वारदात के तुरंत बाद आरोपी हरिद्वार भाग गया था, फिर झिलमिल कॉलोनी लौट आया, लेकिन उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह फिर से देहरादून भाग गया। आरोपी की पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण 24 अक्टूबर को अपने घर लौट आया, जहां उसकी पत्नी ने पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि आरोपी राजीव गुलाटी मकान नंबर 149 प्रथम तल अजय पार्क नजफगढ़ में रहता है। इसने प्राथमिक स्कूली शिक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।